जय माँ पीताम्बरा। मित्रों, दीपक लगाते समय क्या आप भी इन्हीं गलतियों को करते हैं? इन गलतियों के करने से आपके जीवन में दुखों के सिवा कुछ भी नहीं आने वाला। मित्रों, बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता कि दीपक को जब प्रज्वलित करते हैं तो उसकी ज्योत को किस तरफ रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग पूरब की तरफ पूजा मुँह करके पूजा करते हैं वो दीपक की लोगों को किस तरफ रखते हैं उनको इसका ज्ञान ही नहीं होगा। उत्तर की तरफ पूजा करने वालों को भी इसका ज्ञान नहीं होगा। मित्रों, सीधी सी एक बात है कि दिया हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, श्रद्धा भाव से उनके लिए दिया समर्पित करते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण वो देवताओं को समर्पित किया हुआ दिया हमें लाभ पहुंचाने की जगह हमें हानि पहुंचाने लगता है, और हम सोचते हैं कि हम इतना पूजा पाठ भगवान के लिए करते हैं उसके बाद भी हम दिक्कत परेशानी में क्यों फंसे रहते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दिया आपको अगर आप पूरब दिशा में दिया लगाते हैं तो लो आपकी किस तरफ होना चाहिए, और आप उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में दिया लगाते हैं तो उसकी लो किस तरफ होना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो मंदिर, जिस मंदिर में या जिस स्थान पर आप बैठकर पूजा करते हैं तो देवता का दिया प्रज्वलित करते हैं, तो उस दिए की लो जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दिए की लो भगवान के सामने होना चाहिए, ना कि आपके सामने होना चाहिए। मित्रों, एक विशेष बात है कि जब भी आप घी का दीपक लगाएंगे तो आपको दक्षिण दिशा में कभी भी और पश्चिम दिशा में कभी भी घी का दीपक नहीं लगाना चाहिए। बस इतनी सी बात का आप ध्यान रखें, और तेल का दीपक जब भी आप लगाएं दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया लगाएं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इतनी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पूजन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपका जीवन आनंदमयी होगा। लोग का विशेष ध्यान रखें। जय माँ पीताम्बरा।